में मोर देन 200 फैक्टर्स कंसिडर करता है। अगर गूगल के परस्पेक्टिव से बात की जाए तो गूगल जो है वो ऑन पेज एसईओ या ओवरऑल एसईओ में मोर देन 200 फैक्टर्स कंसिडर करता है। तो जितने ज़्यादा एसईओ करते हुए हम उन फैक्टर्स पर फोकस करेंगे तो उतनी ज़्यादा ही हमारी जो साइट है उसकी रैंकिंग बेटर होने के चांसेस होते हैं। तो जो कंटेंट पब्लिश होता है साइट पे, जो भी साइट्स होती हैं उनमें जो साइट का कंटेंट होता है या फिर पेज का जो कंटेंट होता है वो डिफरेंट टैग्स और कंटेंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स होते हैं इंपॉर्टेंट हेडिंग्स जो होती हैं उस पेज की, वो टैग्स कहलाते हैं। उसके अलावा उसमें कंटेंट पब्लिश होता है, उसके रिटन कंटेंट जिसे हम बोलते हैं, फिर इमेजेस पब्लिश होते हैं साइट्स पे। तो ये सारा जो है मिलके एक पेज बनाते हैं या फिर एक पोस्ट बनाते हैं जो कि वेबसाइट पे पब्लिश होती है। तो उसकी ऑन पेज एसईओ में सबसे पहली चीज जो हमने कंसिडर करनी होती है वो होता है टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है? टाइटल टैग होता है जो पेज की मेन हेडिंग कह लें आप, एक पेज है और उसकी मेन हेडिंग वो टाइटल टैग कहलाते हैं, जो टॉप पे शो हो रहा है या फिर आप कह रहे हैं मेन टॉपिक जो होता है जिस उस पेज का, जिस पेज पे हमने कंटेंट लिखा हुआ होता है, दैट इज टाइटल टैग। उसके बाद है जी मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? आपका एक पेज पे कंटेंट पब्लिश है और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या इम्पोर्टेंट जो लाइन है जो आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हो वो हम मेटा डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब कर देते हैं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो डिफरेंट साइट्स शो होती हैं। शो होने के बाद यहाँ पे ये जो शो हो रहा है दैट इज टाइटल टैग, जिसकी मैंने पहले बात किया कि टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन पेज एसईओ। और उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको बताया हुआ है कि इस पेज पे या फिर इस साइट पे थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो है वो टॉपिक कंटेंट पब्लिश है, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। और इस मेटा डिस्क्रिप्शन को भी ऑप्टिमाइज किया जाता है, इसमें कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं ताकि गूगल को भी पता चले कि इस पेज पे थोड़ा सा इससे, इस हवाले से पब्लिश है कंटेंट। या फिर इसका दूसरा मकसद ये होता है कि जब यूजर कुछ क्वेरी करे और हमारी साइट अगर उसके सामने चली जाए तो यहाँ से उसको थोड़ा सा एक दो लाइंस रीड करके पता चल जाए कि ये जो साइट है या जो पेज है इस पे किस बारे में जिक्र हुआ हुआ है। कि जैसे मैंने, ये है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट है तो यहाँ पे कुछ प्लेसेस मुझे शो हो रही हैं। इसके अलावा अगर इसी का ही नेगेटिव इम्पैक्ट मैं आपको दिखाऊं तो ये थ्री डॉट्स शो हो रहे हैं मुझे जो कि नहीं होने चाहिए। ये एसईओ के हवाले से ये चीज अच्छी नहीं है कि आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट डॉटेड शो हो रही है, मतलब ये फुल शो नहीं हो रही। इट मींस कि इसकी जो लेंथ है वो ऑप्टिमाइज नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन तो इन्होंने ऐड कर दी है लेकिन यहाँ पे ये डॉटेड शो हो रही है, मीन्स ये कम्प्लीटली शो नहीं हो रही क्योंकि इन्होंने जो मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड की है उसकी लेंथ ज्यादा है और यहाँ पे वो डॉटेड शो हो रही है। तो ये एसईओ के परस्पेक्टिव से ठीक नहीं है। उसके अलावा अगर इस साइट की मैं आपको दिखाऊं मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये इन्होंने ऑप्टिमाइज्ड लेंथ में राइट की हुई है और वो नेक्स्ट डॉटेड शो नहीं हो रही। इसी तरह इनका भी ऑप्टिमाइज्ड वे में है, डॉटेड शो नहीं हो रही। ठीक है, तो बेटर जो है इसकी लेंथ पे भी फोकस किया जाता है और इनमें जो कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं वो भी फोकस किया। अब यहाँ पे अगर इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है कीवर्ड बेस्ट ट्रेवल साइट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए उन्होंने बेस्ट प्लेसेस का वर्ड भी यूज किया हुआ है, पाकिस्तान का वर्ड भी यूज किया हुआ है। तो ये कीवर्ड में से वही वर्ड्स उन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज किए हुए और इसको ऑप्टिमाइज्ड वे में उन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो इस चीज पे फोकस किया जाता है एसईओ करते हुए मेटा डिस्क्रिप्शन का। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा फर्दर हम इसको किस तरह ऑप्टिमाइज्ड करते हैं। वो वन बाय वन ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगी नेक्स्ट क्लासेस में। आज जस्ट मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ऑन पेज चेकलिस्ट में, ऑन पेज एसईओ में हम किन किन चीजों को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे मेटा कीवर्ड्स। जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन है इसी तरह मेटा कीवर्ड्स भी होते हैं जो कि सोर्स कोड में यूज किए जाते हैं। अब सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड होता है जो बैकएंड पे कोडिंग हुई भी होती है। अगर मैं यही साइट इसी को ओपन कर लूं और इसका अगर सोर्स कोड मैं देखना चाहूं तो सिंपली मैं कंट्रोल यू प्लस करूंगी तो इस साइट का सोर्स कोड मेरे सामने आ जाएगा। ये सोर्स कोड है, ठीक है, बैकएंड पे इसके ये सारे कोडिंग हुई हुई है। ये वर्डप्रेस साइट हो तो उसमें तो हम ये टेक्निकल एसईओ का बेसिकली पार्ट होता है जब हम सोर्स कोड में चेंजिंग्स करते हैं, टेक्निकल एसईओ। ठीक है, वो डेवलपर एंड पे होती है लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया बेसिक्स एचटीएमएल का पता होना चाहिए कि हम जिसमें आपको टैग्स का पता हो। जैसे यहाँ पे ये देखें हेड सेक्शन होता है,
किसी भी पेज का हेड सेक्शन होता है, बॉडी सेक्शन होता है, ये हेड सेक्शन है और हेड सेक्शन में उनके जो हेडिंग्स वगैरह हैं वो ऐड हैं। तो मेटा कीवर्ड्स इस सोर्स कोड में यूज किए जाते हैं। यहाँ पे शो नहीं होंगे मेटा कीवर्ड्स, जब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे रिजल्ट शो होगा तो मेटा कीवर्ड्स यहाँ पे शो नहीं होंगे, बल्कि वो सोर्स कोड में यूज किए जाते हैं ताकि क्रॉलर उसको रीड कर सके। ठीक है, क्रॉलर तो रीड कर लेता है, उसे पता चल जाता है कि ये जो मेन कीवर्ड्स हैं इन पे फोकस किया गया है। तो सोर्स कोड्स में बेसिकली मेटा कीवर्ड्स यूज होते हैं, इनको हम किस तरह यूज कर सकते हैं, करते हैं ऑप्टिमाइजेशन इनकी किस तरह करते हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो बेसिक पार्ट होता है एक पेज का वो होता है URL। URL जो होता है हर पेज का डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने ओपन किया था, ये तो पूरी साइट ओपन हुई है, लेकिन अगर इसमें से कोई एक स्पेसिफाइड पेज में इनका ओपन करना चाहूं, जैसे ये अबाउट अस पेज है, तो ये इस पेज का URL है। ठीक है, ये इस पेज का URL है। तो URL को भी ऑप्टिमाइज किया जाता है। क्यों ऑप्टिमाइज किया जाता है? क्योंकि URL में कीवर्ड हमारा यूज करना जरूरी है, ऑप्टिमाइजेशन उसकी जरूरी है, इसकी भी और एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, उतने लेंथ में URL होना चाहिए, ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, लेंथ से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। और SEO में हम बेसिकली URL ऑप्टिमाइजेशन में यही करते हैं कि हम URL को ऑप्टिमाइज्ड कर देते हैं। ऑप्टिमाइज इस तरह करते हैं कि उसमें हमारा कीवर्ड भी यूज हो रहा होता है और उसकी लेंथ भी परफेक्टली होती है, जो कि SEO में गूगल कंसीडर करता है उसके हिसाब से। उसके बाद है हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स अगर तो ब्लॉगिंग साइट्स हम देखें तो उसमें एक पेज पे डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं और उन हेडिंग्स को डिस्क्राइब किया गया होता है। कोई भी अगर ट्रैवल ब्लॉग आप पढ़ें, जैसे यहाँ पे ये उन्होंने हेडिंग यूज की हुई है, फिर उसके बाद उन्होंने पैराग्राफ राइट किया हुआ है, इसके अलावा ये हेडिंग यूज हुई हुई है, फिर उन्होंने ये पैराग्राफ राइट किया हुआ है। ठीक है, तो एक पेज पे डिफरेंट हेडिंग्स यूज होती हैं। H1 हेडिंग एक ही होती है, H1 हेडिंग होती है जिसको हम टाइटल टैग बोलते हैं, कि उस पेज का जो मेन टाइटल टैग होता है। जैसे यहाँ पे ये पॉपुलर टूर पैकेजेस, ये इसका एक मेन यहाँ पे, ठीक है, मेन हेडिंग जो होती है वो टॉप पे होती है, उसके बाद H2 हेडिंग्स होती हैं, वो भी फर्दर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो इन हेडिंग्स को भी ऑप्टिमाइज करना जरूरी होता है ऑन पेज SEO में। अब ये सब चीजें ऑन पेज SEO में इसलिए कंसिडर की जाती हैं क्योंकि ये ऑन पेज ही शो हो रही हैं और हम इनकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते उसके बाद एक पेज पे होते हैं इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होते हैं? अगर तो हमारे कंटेंट में ऐसे लिंक्स ऐड हैं जो हमें उसी साइट के ही दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं तो वो होते हैं इंटरनल लिंकिंग्स। इसके बाद अगर कोई एक्सटर्नल साइट, हम किसी अपनी साइट पे एक टेक्स्ट पे ऐसा लिंक लगाते हैं जो हमें किसी दूसरी साइट पे मूव कर देता है तो वो होते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। अब इनको हम SEO में किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं? इनको इस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं कि जिस टेक्स्ट पे ये लगा होता है, लिंक लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट हम किसको बोलते हैं? जैसे ये नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर ये मुझे ब्लू कलर में शो हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर लिंक लगा हुआ है, इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है एक नए पेज पे, और उस पेज का जो टाइटल है, जो हेडिंग है, वो है नेचुरल रिसोर्स। तो यहाँ पे जो पिछले पेज पे जहाँ पे इसका इस पेज का लिंक लगा हुआ है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज ये एंकर टेक्स्ट है जिसपे ये लिंक लगाया गया है। अब आप अगर इसकी रेलिवेंसी चेक करें तो नेचुरल रिसोर्सेज पे
उसी पेज का लिंक लगाया हुआ है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पे राइट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज पे अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये मुझे किसी ऐसे इरिगेशन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये इनके एंकर टेक्स्ट की ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई है। एंकर टेक्स्ट की ऑप्टिमाइजेशन हम किस तरह करते हैं कि जो भी हम उस पर लिंक लगा रहे हैं किसी भी वर्ड पे, वो लिंक और वो वर्ड आपस में रेलिवेंट होने चाहिए। जितनी ज्यादा उनकी रेलिवेंसी होगी उतनी ही ज्यादा वो एसईओ के लिहाज से बेटर कंसिडर किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वर्ड जो है वो मैंने कोई और सिलेक्ट किया है एंकर टेक्स्ट, जैसे सॉल्ट वाटर है और इस पे मैं जो लिंक लगा दूं वो मैं किसी और चीज का लगा दूं, और पेज का लगा दूं। जैसे सॉल्ट वाटर था तो वो सेलाइन वाटर सॉल्ट वाटर सेम होता है, रेलिवेंसी है दोनों में। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि एज इट इज ही हो, जैसे नेचुरल सोर्सेज का था तो वहां पे सॉल्ट वाटर है यहाँ पे सेलाइन वाटर है, क्योंकि दोनों की आपस में रेलिवेंसी है। सेलाइन वाटर भी सॉल्ट वाटर ही होता है, सॉल्टी वाटर ही होता है, तो वो उन्होंने इसका लिंक लगाया हुआ। मतलब एंकर टेक्स्ट में और लिंक में रेलिवेंसी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा रेलिवेंसी होगी उतनी ही ज्यादा एसईओ के हवाले से वो बेटर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एंकर टेक्स्ट की अब आपको समझ लगी होगी कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है। इसकी ऑप्टिमाइजेशन से मुराद है कि ये लिंक से बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए। ये थे हमारे टाइटल टैग्स और हेडिंग्स वगैरह की ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद जो हम ऑन पेज पे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वो होती है कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन। और कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन में जैसा कि आपके आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग सेशन भी ज्वाइन कर रहे होंगे, उसमें आपको बताया गया होगा कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आप एक पेज पे कीवर्ड कितनी दफा यूज कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बार बार कीवर्ड यूज हो रहा है, एक ही कीवर्ड यूज हो रहा है, 1000 words का आपका कंटेंट और उसमें 100 times आपने कीवर्ड यूज किया हुआ है, तो वो कीवर्ड डेंसिटी के अगेंस्ट होगा। इट मींस कि आपने उसमें कीवर्ड स्टफिंग कर दिया है। तो एसईओ में, ऑन पेज एसईओ में हमने ये भी देखना होता है कि हमारे कॉन्टेंट में कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, क्या उसमें कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं हुई हुई। बिल्कुल जो कीवर्ड है वो रेलिवेंट वे में यूज हुआ है, नेचुरल वे में यूज हुआ है, या फिर एमी ही बिल्कुल बेतुका कीवर्ड यूज किया हुआ है, हर लाइन में कीवर्ड यूज किया हुआ है, जिस जहां पे कीवर्ड की जरूरत नहीं है वहां पे भी कीवर्ड यूज किया हुआ है। तो इन चीजों का भी ख्याल रखा जाता है ऑन पेज एसईओ में। ये सारी चीजें हैं एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन की, टाइटल हेडिंग्स वगैरह की ऑप्टिमाइजेशन है। उसके बाद हम फोकस करते हैं कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन में, कंटेंट में कीवर्ड किस तरह यूज हुआ हुआ है और क्या वो जो कंटेंट रिटन है वो उस कीवर्ड से रेलिवेंट है भी या नहीं, कहीं इररेलीवेंट कंटेंट तो राइट नहीं किया हुआ, तो ये सब चीजें भी हम उसमें फोकस करते हैं। उसके बाद जो कंटेंट में हमने चीज देखनी होती है वो हम देखते हैं ग्रामर। ग्रामर इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि गूगल ग्रामर को रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब अगर आपकी साइट है, डिफरेंट साइट है एक ही कीवर्ड पे, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेवल साइट सर्च की थी तो मेरे सामने डिफरेंट साइट्स शो हो गई थी। ठीक है, अब अगर मैंने आपको ये बताया है कि इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन की ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं हुई भी, लेंथ ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये टॉप पे शो हो रही है और बाकी ये जिनकी लेंथ ऑप्टिमाइज्ड है और ये यहाँ पे शो हो रही है, तो हो सकता है कि इसमें इसके जो बाकी फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जैसे URL ऑप्टिमाइजेशन है, हेडिंग टैग्स है, इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग है, इन फैक्टर्स पे इस साइट में बहुत अच्छी SEO हुई भी हो और इसी फैक्टर की इन्हीं फैक्टर्स की वजह से गूगल ने उसको टॉप पे रैंक कर दिया, अगर उसकी एक जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो सही से ऑप्टिमाइज नहीं है फिर भी। ठीक है, तो ग्रामर की बात मैं कर रही थी कि ग्रामर बहुत जरूरी है कि आपका जो कंटेंट रिटन है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर एक ही कीवर्ड पे दो साइट्स हैं, जैसे यहाँ पे ये साइट 1 एंड साइट 2 है, एक ही कीवर्ड पे रैंक हो रही है, ये 1 पे है, ये सेकंड पे, फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, तो हो सकता है कि इन दोनों में बाकी सारे फैक्टर्स सेम हो, बाकी ऑप्टिमाइजेशन URL टैग ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से हुई भी हो, लेकिन हो सकते हैं इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो और ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इसमें नहीं हो और ये बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट कॉन्टेक्ट लिखा हुआ, तो गूगल ने इसको टॉप पे रैंक कर दिया। ठीक है, तो गूगल इसको प्रायोरिटी दे दी है। तो ग्रामर को भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है हम अपने कंटेंट में, कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है जी कंप्रेशन, या फिर आप कह सकते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। जितने भी इमेजेस हम अपनी साइट पे यूज करते हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे ये इमेजेस हैं, ये फीचर इमेज है टॉप पे, ये इमेजेस हैं। अब इनकी ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है, इन जब हम कोई भी इमेज लगाते हैं तो इमेज को भी डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक ऑल्ट टेक्स्ट राइट करना पड़ता है।
ठीक है, इसको ऑल टेक्स्ट भी कहते हैं या फिर आप इमेज टाइटल भी कहते हैं। जैसे लिंक्स का मैंने आपको बताया कि जब हम लिंक लगाते हैं तो एक एंकर टेक्स्ट लगाते हैं, एंकर टेक्स्ट जो कि लिंक से बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए। इसी तरह जब हम कोई भी इमेज लगाते हैं अपनी साइट पे तो उस इमेज का हम ऑल्ट टेक्स्ट ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लगाते हैं, और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है वो उस इमेज को डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ट्रेवल से रिलेटेड इमेज लगाया है तो वो उस इमेज को डिस्क्राइब कर रहा होगा उसका ऑल्ट टेक्स्ट, कि यहाँ पे जो है ये इमेज इस से रिलेटेड है। वो ऑल्ट टेक्स्ट साइट पे शो नहीं हो रहा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया मुझे यहाँ पे कोई ऑल्ट टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, लेकिन वो क्रॉलर को शो हो रहा है। क्रॉलर ने उस ऑल्ट टेक्स्ट को रीड किया है कि अच्छा ये इमेज जो है ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पे कोई ना कोई ऑल्ट टेक्स्ट बैकएंड पे जरूर लगा हुआ होगा। ठीक है, इसी तरह अगर और भी इस पेज पे इमेजेस यूज हुए हैं तो वहां पे ऑल्ट टेक्स्ट लाजमी लगा हुआ होगा। तो ऑल्ट टेक्स्ट बेसिकली डिफाइन करता है कि इमेज जो है वो किससे रिलेटेड है। वैसे यूजर को शो नहीं होता लेकिन क्रॉलर को शो होता है। उसके बाद है कीवर्ड कैनिबलिज्म। कीवर्ड कैनिबलिज्म क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपकी साइट जो है वो 50 पेजेस की है या 70 पेजेस की है, और उसमें से 3 पेजेस ऐसे हैं जो कि एक ही कीवर्ड पे रैंक हो रहे हैं। ठीक है, तो उन तीनों पेजेस का आपस में ही कंपटीशन हो जाएगा, आपस में ही वो झगड़ा करना शुरू कर देंगे कि मुझे टॉप पे रैंक होना है, मुझे टॉप पे रैंक होना है। तो दैट इज कॉल्ड कीवर्ड कैनिबलिज्म। तो आप ही की साइट के जो 3 पेजेस हैं उनका आपस में ही कंपटीशन हो रहा है कि इस की मुझे जो है वो टॉप पे रैंक होना है, तो उसको हम कैनिबलिज्म कहते हैं, कीवर्ड कैनिबलिज्म। तो ऐसा जो है वो साइट पे नहीं होना चाहिए। आपका जो पेजेस जो है वो हर पेज जो है डिफरेंट कीवर्ड पे रैंक होना चाहिए, कीवर्ड कैनिबलिज्म उसमें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो हम कंसीडर करते हैं ऑन पेज एसईओ में, और फर्दर इन डिटेल वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि इनको ऑप्टिमाइज किस तरीके से किया जाता है। टाइटल टैग किस तरह ऑप्टिमाइज होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरह ऑप्टिमाइज होती है। आज जस्ट मैंने आपको चेकलिस्ट दी है कि ये वाले फैक्टर्स हैं जो हम ऑन पेज एसईओ में कंसीडर करते हैं। वैसे तो मोर देन 200 फैक्टर्स है जो कि गूगल कंसिडर करता है, लेकिन जो मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी ऑप्टिमाइजेशन करके हम अपने पेज को या अपनी साइट को रैंक कर सकते हैं वो ये वाले फैक्टर्स हैं, और फर्दर इन डिटेल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि इनको प्रैक्टिकली किस तरह हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जी, आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम, हेडिंग टैग्स और इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग का दोबारा बता दे जरा। ओके, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल